हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए एक गणेशा मूर्ति बनाने का कोशिश करता हूँ। ये चाइल्ड गणेश। तो इसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए पेडिस्टल टाइप का, इसके ऊपर ये मूर्ति बनाएंगे। तो उसके बाद एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब आप सोचिए बैठा हुआ एक गणेश मूर्ति बनाना चाहते तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ये पहले बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका पैर, उसका चार हाथ बना लेते हैं। और बीच बीच में आप ब्रासिंग, मतलब पानी से, ब्रास से इसको स्मूथनेस करते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे डिटेलिंग होते जाएगा तो उस टाइम अंदर का तरफ काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना काम होते जाएगा उतना आप फिनिश करते जाइए, ठीक है ना? तो इसमें जो हेड बनाने का टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चाइल्ड गणेश है तो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी हाइट लेंथ, मतलब जिस हिसाब से होगा इसका हेड थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसमें अलग एक ब्यूटी नज़र आएगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ ये फाइनली समझ में आ जाएगा। तो छोटा सा सूर भी लगा लीजिए, ठीक है, और मैं जो बोला जो स्मूथनेस वो करते जाइए। उसके बाद इसका जो डेकोरेटिव आइटम, क्राउन और अदर्स गहना, ज्वेलरीज, ये सब ऐड करते जाइए, ठीक है ना? जो वुडन टूल्स वो यूज़ करके आप इसका डिटेलिंग करते जाइए, ठीक है ना? वीडियो का टाइम थोड़ा कम है इसीलिए जल्दी दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो ये मेरे को लगभग 2-2.5 घंटा लग गया था ये बनाने के लिए। आँखों का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आँख यहाँ पे बड़ा, मतलब बच्चा, जो एक बच्चा का जिस हिसाब से आँख होता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखते हुए ये गणेश जी का भी उसी हिसाब से आँख होगा। और इसमें एक ध्यान दीजिए, स्माइल फेस, स्माइल फेस बनाने के लिए मैंने एक तरीका, मतलब जो फेस का दोनों साइड थोड़ा सा उभरापन करके इसका ये इफ़ेक्ट लाने का कोशिश किया। ये प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोग को, मतलब अब लोगों का पास भी ये आ जाएगा, ठीक है? धोती का भी डिज़ाइन एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना? प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि नया नया इसी टाइप का मैं वीडियो डालते जाऊंगा आप लोगों के लिए। और जहाँ पे कोई क्वेश्चन क्वेरी आएगा कमेंट में ज़रूर डालिए, ठीक है? ये धोती कपड़ा का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा टूल्स लेके इसका डिटेलिंग, मतलब कोई सा भी डिज़ाइन, कोई डॉट ये डालते जाइए, ठीक है ना? ये मैंने कलर भी करेंगे सूखने का बाद, क्ले मतलब मिट्टी में रहेगा, सूखने का बाद भी मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? आँखों का भी ध्यान देना पड़ेगा, आई बॉल का, ठीक है? तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही, देखते जाइए।